हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर हमारे एसी में किसी भी वजह से जो गैस उसके अंदर कंपनी से आई है उसकी बजाय कोई दूसरी गैस फिल कर दी जाए तो क्या उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या हमारे एसी के अंदर जो पार्ट्स लगे होते हैं वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में कई बार कंप्रेशर भी ब्लास्ट हो सकता है। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि R22 वाले गैस वाले जो एसी हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो लोग कहते हैं कि कई जगह पर R22 जो गैस है वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि दूसरी गैस एसी में डालना मजबूरी हो जाती है। अब वो बेशक कस्टमर कह रहा है या फिर टेक्नीशियन कह रहा है, वजह कोई भी हो, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है कि दूसरी गैस हमें एसी के अंदर डालनी होती है। या फिर कई बार बाय मिस्टेक जब कोई टॉपअप वगैरह हो रहा होता है तो रॉन्ग गैस उसके अंदर डल सकती है। कई बार स्टिकर वगैरह नहीं लगे हुए होते हैं एसी में, तो ऐसे में प्रेशर वगैरह चेक करके डाल दी जाती है। तो ऐसे में बहुत सारे बड़े नुकसान हो सकते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा एसी तो सेफ़ रहे ही लेकिन हम भी सेफ़ रहें। कहीं कंप्रेशर वगैरह ब्लास्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो उस चीज़ से भी हमें बचे रहना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो वैसे तो मैं आपको हमेशा ये बोलता ही हूँ कि जब भी आपके घर में कोई एसी वाला आए या किसी भी चीज़ को रिपेयर करने वाला आए तो आपको उसके सामने खड़े होकर ही काम करवाना चाहिए, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो भी पार्ट्स उसमें लगाया जा रहा है, रेफ्रिजरेंट भी एक पार्ट ही है जो उसके अंदर फिल की जा रही है, वो प्रॉपर उसी की जा रही है या फिर कोई और की जा रही है। क्योंकि नुकसान आपका ही होने वाला है, क्योंकि जो काम करने आया है उसने तो काम करके चले जाना है, बाद में आप ही को उस चीज़ के सारे डिसएडवांटेज होंगे और जो भी उसके मतलब नुकसान है वो आपको ही बाद में उठाने पड़ेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट एक तरह से जैसे हमारे खून होता है ना हमारा, उस तरह से काम करता है एसी के अंदर। हमारी बॉडी में भी आप सब जानते हो कि कई तरह के खून होते हैं, ब्लड ग्रुप्स होते हैं, किसी का ओ होता है, किसी का ए है, बी है। तो उस ब्लड ग्रुप वाला जो ए वाला जो बंदा है उसमें ए ही डलेगा, ए बी वाला है तो ए बी ही डलेगा। इस तरह से हम किसी और ब्लड ग्रुप वाले बंदे में किसी और का ब्लड नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो मैच नहीं करता है और उसके कारण प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी में। सिमिलरली एसी के साथ भी ऐसा ही होता है कि अगर हम दूसरी कोई गैस डाल देते हैं तो एसी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर डलता है। क्योंकि जितनी भी रेफ्रिजरेंट्स होती हैं उन सभी का प्रेशर अलग अलग होता है, सभी का स्टैंडिंग प्रेशर भी अलग होता है, सक्शन प्रेशर भी अलग होता है, डिस्चार्ज प्रेशर भी अलग होता है। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो प्रेशर है, और ये प्रेशर छोटा मोटा नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उस चीज़ को होल्ड कर पाने में किस तरह की मतलब बनावट, मैन्युफैक्चरिंग में गैस के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ों की जाती है, उसी हिसाब से डेंसिटी वगैरह या स्ट्रेंथ वगैरह चीज़ों की रखी जाती है, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, कूलिंग पे अफेक्ट पड़ता है और जो पार्ट्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उनकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और सीधी सी बात है परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है। अगर आपने कोई दूसरी गैस डलवा ली तो मतलब 99% चांसेस ये हैं कि आपको अब कूलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। 6 पॉइंट्स हैं, 6 के 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा, ताकि अगर आपके मतलब कोई मजबूरी है कि गैस को आप चेंज कराना ही पड़ेगा, वो वाली गैस नहीं मिल रही है, तो आप टेक्नीशियन को बोल सकते हैं कि जो ये आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसके क्या सोल्यूशन है उसके पास, ताकि फ्यूचर में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए और 2-3 साल बाद एसी ना चेंज करना पड़े। और क्योंकि आप एसी नहीं चेंज कर रहे या करना चाहते अभी, तभी तो आप उसमें दूसरी गैस डलवा रहे हो ताकि काम चलता रहे।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसी यूज़फुल वीडियोस आती ही रहती हैं जो आपकी नॉलेज तो बढ़ाती ही हैं और आपके एयर कंडीशनर को या फिर और भी प्रोडक्ट्स को सेफ रखती हैं। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि रॉन्ग गैस यानी कि कंप्रेशर जो होता है वो ब्लास्ट हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट यही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और वो है दोस्तों रॉन्ग गैस के कारण कई बार कंप्रेशर ब्लास्ट हो जाते हैं। कारण क्या होता है कि हर गैस का जो प्रेशर है वो अलग अलग होता है। अब कंप्रेशर जो है वो मतलब हर गैस का जैसे प्रेशर है, जैसे मान लो एक सिलेंडर होता है कोई, उसकी मोटाई आपने चद्दर की देखी होगी, जो हमारे रसोई गैस के सिलेंडर होते हैं वो अलग मतलब चद्दर से बने होते हैं, उनकी मोटाई अलग होती है, गेज अलग होती है। उसी तरह से जो ये जो एसी वाले सिलेंडर यूज़ करते हैं ये थोड़े और पतले हो सकते हैं, और जो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन वाले होते हैं वो और मोटे होते हैं। तो जिस हिसाब से गैस का प्रेशर होता है उसी हिसाब से सिलेंडर बनाया जाता है और उसी हिसाब से उसको होल्ड करने के लिए कंप्रेसर भी डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है। तो जब प्रेशर चेंज होता है तो आप समझ सकते हो कि कंप्रेशर के एफिशिएंसी पे असर पड़ेगा, और जो प्रेशर होता है उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है, कंप्रेशर ओवरहीट हो सकता है जिसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ गैसेस जो होती हैं वो इनफ्लेमेबल होती हैं और कुछ होती हैं फ्लेमेबल, यानी कि कुछ गैसें होती हैं जो ज्वलनशील होती हैं, यानी कि जैसे R32 गैस है वो हाईली फ्लेमेबल गैस है, उसको आग लग सकती है। लेकिन सपोज़ जैसे आपका कोई सिस्टम है उसके अंदर R22 गैस है, उसको आग नहीं लगती है, लेकिन अब उसके अंदर R32 गैस डाल दी गई तो होता क्या है दोस्तों कि कंप्रेशर का जो डिज़ाइन बना हुआ है वो सपोज़ R22 गैस है या कोई और गैस है, R410 एक गैस है जो फ्लेमेबल नहीं होती हैं, तो उन ACs के अंदर जो पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं वो इस हिसाब से किए जाते हैं कि उस गैस से मतलब फ्लेमिंग का कोई इशू नहीं है। अगर ओवरहीट भी हो जाएगा कोई पार्ट तो भी आग वाग लगने की कोई वहाँ पे गुंजाइश नहीं होती है, तो इसी हिसाब से कंप्रेशर के इंटरनल पार्ट्स वगैरह डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन जो R32 वाले AC होते हैं उन ACs के जो कंप्रेशर या इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो इस हिसाब से मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो एंटी फायर प्रूफ होते हैं, यानी कि ओवरहीट से उनमें आग लगने से प्रोटेक्शन होती है। क्योंकि आप सब जानते हो जो चीज़ें ज्वलनशील होती हैं तो जब उनका प्रेशर बढ़ता है, ओवरहीट होती हैं वो चीज़ें, तो उनमें खुद ही खुद आग लगने का संभावना बनी रहती है और लग भी जाती है। तो ऐसे में अगर कोई डिफरेंट गैस डल रही है किसी कंप्रेशर में, डिफरेंट कंप्रेशर में जो किसी दूसरी गैस के लिए बना हुआ है, तो बहुत बड़े चांसेस हैं यहाँ पर ब्लास्ट होने के। क्योंकि जब प्रेशर मतलब क्रिएट होगा, ओवरहीट होगा, क्योंकि मान लो आपने R32 डाल दी किसी ऐसे AC में जिसमें R22 या 410A है, तो प्रेशर बिल्डअप होगा क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो ओवरहीट होगा, तो जो वाइंडिंग्स वगैरह हैं वो इंटरनली शॉर्ट सर्किट हो सकता है उनमें, और जिसकी वजह से ब्लास्ट हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, और एक रीज़न यहाँ पर और है जो कंप्रेशर ब्लास्ट हो सकता है वो है मिक्सचर। कई बार क्या होता है कि सपोज़ AC काफ़ी पुराना हो गया है या नया भी है बाई चांस, तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे या फिर सर्विसिंग वगैरह के टाइम पे या आउटडोर किसी ऐसी कंडीशन पे लगा हुआ है कि वो स्टिकर वगैरह फट गया। कई बार कैसा होता है कि गली वगैरह में लगा है, बच्चे फाड़ देते हैं, या बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो टेक्निकल स्टिकर लगा होता है वो फट जाता है या हट जाता है। तो ऐसे में जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इस AC के अंदर कौन सी गैस थी। तो वो जैसे मान लो कई बार टॉप अप का इशू होता है, टॉप अप करते हैं, ये सब मैंने आपको बता रखा है कि टॉप अप भी करते हैं गैस को, तो ऐसे में वो जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है गैस का, डिस्चार्ज प्रेशर होता है, सक्शन वगैरह सारा कुछ चेक करके ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस AC के अंदर फलानी गैस है, क्योंकि हर गैस का अपना अपना एक प्रेशर होता है। लेकिन बाई चांस वो आकलन कई बार गलत हो जाए और रॉन्ग गैस उसके अंदर डाल दी जाए टॉप अप के टाइम पे, तो जो एग्जिस्टिंग गैस है उसमें मान लो कोई दूसरी गैस डाल दी गई, तो आप समझ सकते हो कि जो कंप्रेशर के अंदर ऑयल होता है जो लुब्रिकेशन का काम करता है वो रेफ्रिजरेंट के कंपैटिबल ही डाला जाता है।
हर गैस का मतलब कंपैटिबल ऑयल आता है, तीन चार ऑयल्स आते हैं जो कंप्रेशर्स में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई गैस डाल दी गई जिसका कंप्रेशर के ऑयल से कंपैटिबिलिटी नहीं है तो एसिड्स ज़्यादा बनेंगे, एसिड्स बनने से प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होने से वो ओवरहीट हो सकता है। और जैसा मैंने बताया कि अब सपोज़ R32 गैस, फ्लेमेबल गैस अगर कोई डाल दी तो कंप्रेशर वहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है कि कंप्रेशर ब्लास्ट हो सकता है अगर रॉन्ग गैस डालें तो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंप्रेशर की डिज़ाइनिंग की। दूसरा पॉइंट है कंप्रेशर की डिज़ाइनिंग। कंप्रेशर की जो डिज़ाइनिंग होती है वो रेफ्रिजरेंट टाइप के हिसाब से की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिलेंडर्स जो होते हैं रेफ्रिजरेंट टाइप के हिसाब से उनकी मोटाई रखी जाती है, इसी तरह से कंप्रेशर की डिज़ाइनिंग्स भी जो हैं वो रेफ्रिजरेंट के प्रेशर के और उसकी हीटिंग ओवरहीट जितने मतलब टेम्परेचर के हिसाब से की जाती है। अब उसकी जो मोटर अंदर यूज़ की गई है वो भी उसी हिसाब से की जाती है कि उस गैस को कितनी रोटेशन चाहिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए या कंप्रेशर क्रिएट करने के लिए, जितना कि मशीन को चाहिए कूलिंग देने के लिए, उसी हिसाब से वो मोटर्स लगाई गई हैं, उसी हिसाब से उसमें रोटर्स लगाए गए हैं, उसी हिसाब से पिस्टन वगैरह सब कुछ सेट किया गया है, जिस मतलब उस रेफ्रिजरेंट के कंपैटिबल उस चीज़ों को सबको बनाया गया है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब हम दूसरी गैस डाल देते हैं, हाई प्रेशर गैस कोई डाल दी उसमें, तो आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि जो प्रेशर है सिस्टम का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कंडेंसेशन में प्रॉब्लम आएगी। उसकी वजह से क्या होगा, कंप्रेशर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो जल्दी ओवरहीट होंगे, जल्दी ओवरहीट होने से वाइंडिंग ओवरहीट हो सकती है और वाइंडिंग ओवरहीट होने से इंटरनली वो डैमेज हो सकती है। और दोस्तों दूसरी बात यहाँ पर यह है कि क्वांटिटी ऑफ गैस, कई बार क्या होता है कि कुछ गैसेस होती हैं उनकी क्वांटिटी कम डलती है एसी में लेकिन कुछ की ज़्यादा डलती है। अब क्वांटिटी के हिसाब से भी कंप्रेशर जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं। अब सपोज़ एक कंप्रेशर है उसमें आधा किलो गैस के हिसाब से उसे डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अब दूसरी आप गैस डाल रहे हो, दोनों ही डेटन के एसी हैं, लेकिन दूसरी गैस डेटन के एसी में मान लो 1 किलो डलती है, जैसे R22 है वो 1 किलो के आसपास डलती है। तो अब वो जो कंप्रेसर है वो आधा किलो के हिसाब से डिज़ाइन हुआ हुआ है, लेकिन अब उसमें हमने 1 किलो गैस डाल दी तो आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर असर आएगा, तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, कंप्रेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, उस वजह से फिर ओवरऑल कूलिंग अफेक्ट होगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से फिर हम परेशान रहेंगे। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट हो गए हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों कैपलरी और एक्सपेंशन वॉल्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। कैपलरी क्या होती है, जो एसीज होते हैं आपने देखा होगा फ्रिज वगैरह में भी कैपलरी यूज़ होती है, बहुत बारीक सा एक पाइप होता है, ऐसे गोल गोल घुमा रखा होता है, काफ़ी लंबा होता है, उसके अंदर से गैस होती हुई आती है, बहुत बारीक उसके अंदर छेद होता है, यानी बहुत बारीक पाइप होता है वो। तो कुछ एसीज में वो यूज़ किया जाता है और कुछ एसीज़ में जैसे इन्वर्टर एसीज़ होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व यूज़ किया जाता है। दोनों का काम यही है कि रेफ्रिजरेंट जो है हाई प्रेशर से जो आ रहा है उसको एक छोटे छेद से गुजारा जाए ताकि वो ठंडा हो सके। तो इस सब चीज़ों में जो डिज़ाइनिंग होती है वो रेफ्रिजरेंट के हिसाब से होती है कि कंप्रेशर उस गैस को कितना कंप्रेस करेगा, कितना प्रेशर बिल्डअप करेगा, कितना टेम्परेचर वो वहाँ पर उसका इंक्रीज करेगा, जो कि फिर वो कैपलरी में से होकर के गुजरेगा तो आगे वो कितनी फ्लो करेगा गैस को, कितना अमाउंट फ्लो करेगा तो वहाँ पर क्या टेम्परेचर होगा, एक्सपेंशन वॉल अगर लगा है तो एक्सपेंशन वॉल में से किस फ्लो में रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगी। तो अगर रेफ्रिजरेंट टाइप चेंज हो गया तो समझ लीजिए प्रेशर चेंज हो गया, और जब प्रेशर चेंज हो गया तो कंप्रेशन का जो पावर है, कंप्रेशन की जो एफिशिएंसी है वो चेंज हो गई, और उसके बाद टेम्परेचर भी गैस का चेंज हो जाएगा, कंडेंसेशन भी इम्प्रॉपर होगा, और एक्सपेंशन वॉल्व या फिर कैपलरी जो ट्यूब है वो भी अफेक्ट होती है, उसकी एफिशिएंसी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि कैपलरी जो होती हैं वो गैस टाइप के हिसाब से मोटी पतली लगाई जाती हैं और एक्सपेंशन वॉल्स भी इसी तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो गैस टाइप चेंज होता है तो एक्सपेंशन वॉल और कैपलरी ट्यूब्स पे असर पड़ता है। दोस्तों इस जो बात है कि
इससे असर क्या पड़ता है, इससे असर कूलिंग के ऊपर पड़ता है, कूलिंग अफेक्ट होती है, इम्प्रॉपर कूलिंग मिलेगी और ओवरऑल जो सिस्टम है उसके ऊपर अफेक्ट होता है। और जो रेफ्रिजरेंट है वो जितना काम उसने करना है, जितनी कूलिंग हमें प्रोवाइड करनी है, वो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोस्तों क्वांटिटी ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये पॉइंट मैंने अभी कंप्रेशर में भी डिस्कस किया था, एक बार दोबारा से मैं इसको दोबारा से अलग तरीके से समझाने वाला हूँ कि एसी, मान लो एक एसी है, डिज़ाइन हुआ हुआ है, सपोज़ हमारे पास कोई डाइकिन का एसी है, उसमें R32 गैस है, तो वो R32 गैस की क्वांटिटी जितनी उसके अंदर डलनी है उस हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई लो प्रेशर गैस डाल दोगे, अब सपोज़ उनका कंप्रेशर इस तरह का बनाया हुआ है कि वो हाई प्रेशर गैस को हैंडल करने के लिए बनाया हुआ है और कंप्रेशन उसका पैदा करने के लिए, लेकिन उसके अंदर सपोज़ कोई लो प्रेशर हमने गैस डाल दी जिसका प्रेशर कम है, तो क्या होगा, इम्प्रॉपर कंप्रेशन हो जाएगा, यानी कि कंप्रेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कूलिंग अफेक्ट होगी। और मेन तो हमें कूलिंग से ही मतलब है ना, तो जब कूलिंग अफेक्ट होगी तो सिस्टम पे असर पड़ता है। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि ये एक चीज़ समझ लीजिए आप, सपोज़ जैसे अब मान लो कोई रेसिंग कार है या एरोप्लेन है, सपोज़ हवाई जहाज है, उसके अंदर पेट्रोल डलता है ना बहुत, मतलब ए क्वालिटी का, अब उसके अंदर आप दूसरा पेट्रोल डाल दो तो उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जब हम नॉर्मल पेट्रोल यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑक्टेन 91 जो एक और महंगे वाला पेट्रोल आता है वो यूज़ करते हैं, तो पिकअप में फ़र्क पड़ता है, परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, इंजन की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह से ओवरऑल फ़र्क पड़ता है कि आप एक लो प्रेशर मशीन में अगर हाई प्रेशर गैस डाल रहे हो तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगी। सिमिलरली हाई प्रेशर मशीन है, अगर हाई प्रेशर गैस वाला कोई एसी है, कंप्रेशर है, उसके अंदर लो प्रेशर गैस डाल देते हो तो भी वो सारी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे में क्वांटिटी ऑफ गैस भी बहुत बड़ा इशू है जिससे सिस्टम की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है ड्रायर या फिर फिल्टर। आप सब ने देखा होगा एसीज के अंदर या फ्रिजेस के अंदर एक ऐसा लंबा सा ना फिल्टर लगा होता है, ट्यूब टाइप की होती है वो, उसको ड्रायर भी कहते हैं। उसका काम ये होता है कि अगर सिस्टम के अंदर कहीं मॉइस्चर है या फिर उस मॉइस्चर के कारण कोई एसिड्स बन रहे हैं कंप्रेशर के अंदर, जो ऑयल है उसके कॉन्टैक्ट में जब मॉइस्चर वगैरह आता है या रेफ्रिजरेंट के कॉन्टैक्ट में मॉइस्चर आता है तो कुछ एसिड्स जो हैं वो बिल्डअप होते हैं, उन सभी को रोकने का काम करता है वो ड्रायर या फिर फिल्टर भी कह देते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पर अब एक बात समझने वाली ये है कि अब मान लो R22 का कोई एसी है, उसके अंदर एक फिल्टर यूज़ किया जा रहा है, अब उसका प्रेशर भी कम है, अब उस एसी में हम उठा करके R32 गैस डाल दें जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो अब एक मान लो उस फिल्टर की एक कैपेबिलिटी होती है, एक कैपेसिटी होती है, मतलब उसकी एक सीमा है, एक क्षमता है कि वो किस हिसाब से किस प्रेशर को हैंडल कर सकता है और कितनी एफिशिएंसी से उसको फिल्टर कर सकता है। अब एक लो प्रेशर चीज़ है उसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है सपोज़, तो उसको वो एफिशिएंटली फ़िल्टर करते जा रहा है या ड्रायर करते जा रहा है, लेकिन एक चीज़ अब बहुत ही तेज़ी से आ रही है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो इम्प्रॉपर फिल्ट्रेशन करेगा, यानी कि चीज़ों को फिल्टर ना करेगा या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और ऐसे में क्या होता है, जब मॉइस्चर या एसिड्स वो नहीं रोक पाएगा जितने उसको रोकने हैं, तो वो आगे जाकर कैपिलरी को चोक कर सकते हैं या फिर एक्सपेंशन वॉल्स पे जाकर वो चोक कर सकते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग अफेक्ट होगी, और अगर बिल्कुल ही चोक कर दिया बाई चांस तो नो कूलिंग की समस्या आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर वो गैस चार्जिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये गैस बदलने के कारण हो सकती हैं कि कैपिलरी वगैरह या ड्रायर वगैरह जो हैं वो भी उन्हीं कंपैटिबल ही उनको लगाना चाहिए जिस गैस के लिए वो लगाए होते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं वो चेंज नहीं की जाती हैं, जनरली क्या किया जाता है, उठा के कई बार कंप्रेशर चेंज कर दिया जाता है कि यार ये R22 वाला जो है ये R32 में नहीं चलेगा, तो उठा के कंप्रेशर चेंज तो कर देते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं
वो चेंज नहीं की जाती हैं, तो वो जो नहीं चेंज की जाती हैं उनके ऊपर भी तो बहुत बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है और कूलिंग पर असर पड़ता है। तो अब चलते हैं, एक और पॉइंट है, वो है दोस्तों कॉइल्स एंड पाइप्स। जो कंडेंसर कॉइल्स हैं, एवेपोरेटर कॉइल्स हैं, इनका भी दोस्तों जो डिज़ाइनिंग होता है वो गैसेस के प्रेशर के हिसाब से होता है। हर पाइप का आपने देखा होगा गेज होता है, मोटाई होती है, मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है। अब हम तो ये कहते हैं कि 100% कॉपर है या अल्मोनियम का कंडेंसर है या जो भी है, लेकिन उसकी वो कितनी है, मतलब गेज कितनी है, कितना मोटा है वो, स्ट्रेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें भी तो मैटर करती हैं। और ये सारी चीज़ें गैस टाइप के ऊपर मैटर करती हैं। अगर गैस का प्रेशर कम है तो ज़रूरत ही नहीं है कि बहुत मोटा पाइप लगाया जाए, और अगर गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़रूरत है कि जो पाइप है उसको मजबूत लगाया जाए, स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो, मोटा लगाया जाए ताकि वो प्रेशर को होल्ड कर सके। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बहुत देसी सा। जैसे पानी की बॉटल होती है, पानी की बॉटल होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार सी होती है, उसको ऐसे हाथ से पिचकाओ तो पिचक जाती है, क्योंकि पानी के अंदर कोई इतना प्रेशर नहीं होता, आप जितना मर्जी उसको शेक कर लीजिए कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा मजबूत होती है, उसको आप ऐसे पिचकाओगे तो वो ईजिली नहीं पिचकती है, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर एक प्रेशर होता है, जब आप उसको शेक करते हो तो प्रेशर होता है। बाई चांस वो आप उसको बंद बॉटल को शेक कर रहे हो तो उस बॉटल को इस हिसाब से बनाया गया है कि वो उसके प्रेशर को होल्ड करके रख सके, फटे नहीं। उसी तरह से शैम्पेन की बॉटल होती है, उसको जब हम ऐसे शेक करते हैं तो वो एकदम से बाहर निकलती है, लेकिन वो निकलती तभी है जब उसका हम कैप निकालते हैं। तब तक वो बॉटल के अंदर है, तो वो जो बॉटल को डिज़ाइन किया गया है इस हिसाब से किया जाता है कि वो उसके प्रेशर को होल्ड करके रख सके। बियर की बॉटल भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो हर एक चीज़ को प्रेशर के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, तो उसी हिसाब से जो कॉइल्स होती हैं उनकी डिज़ाइनिंग भी इसी हिसाब से की जाती है। अब अगर किसी लो प्रेशर वाले एसी में हाई प्रेशर गैस डाल दी जाए तो उनकी जो ट्यूब्स हैं, कॉपर की ट्यूब्स हैं जो कंडेंसर कॉइल के अंदर हैं या एवेपोरेटर के अंदर हैं, तो वहाँ पर उनकी एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। वो गैस लीकेज की प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन हो सकती है, क्योंकि जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, उतने प्रेशर को होल्ड करने के लिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुई है, उनकी डिज़ाइनिंग ही नहीं हुई है। तो ऐसे में वो जब ओवरहीट होता है कंडेंसर तो उसकी गैस लीक हो सकती है वहाँ से, पॉसिबिलिटी बहुत मेजर पॉसिबिलिटी है ये। तो जब आप कई बार कहते हो ना कि गैस चेंज कराई थी और अब उसके बाद गैस बार बार ख़त्म हो जाती है या बार बार रिफ़िल करानी पड़ रही है, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है उसका कि अब वो जो कंडेंसर कॉइल्स हैं या वैपोरेटर कॉइल्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि जो नई गैस उसके अंदर डाली गई है वो उसको उसका प्रेशर होल्ड करके रख सके लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये भी बहुत सारे जो रीज़न हैं वो मैंने आपको बताए। दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गई बात कंप्रेशर की, एक्सपेंशन वॉल्स की, कैपिलरी की, या फिर ड्रायर फिल्टर की, कंडेंसर की। यहाँ पर दोस्तों मोटर्स जो हैं, फ़ैन की मोटर्स हैं, उनके ऊपर भी अफेक्ट होता है। सपोज़ मतलब आप एक बात समझ लीजिए कि एक चीज़ जिस हिसाब से, जिस प्रेशर से, जिस टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन की गई है, जिस एम्बियंट टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन की गई है, उस हिसाब से ही वो वर्किंग करती है। अब उसके अंदर आप दूसरा रेफ्रिजरेंट डाल देंगे तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ होता है, प्रेशर भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से, अब सपोज़ मान लो आपने कोई ऐसी गैस डाल दी जिसके कारण प्रेशर इंक्रीज़ हो जा रहा है, ओवरहीट हो रहा है कंप्रेशर, कंडेंसर ओवरहीट हो रहा है, तो ऐसे में फ़ैन मोटर रेगुलर चलती रहेगी उसको ठंडा करने के लिए, जबकि उसकी डिज़ाइनिंग दूसरे रेफ्रिजरेंट के लिए हो रखी है कि वो इंटरवल्स में चले, तो ऐसे में उस फ़ैन मोटर की एफिशिएंसी के ऊपर अफेक्ट होता है, जो फ़ैन का कैपेसिटर है उसके ऊपर अफेक्ट होता है, कंप्रेशर का कैपेसिटर है उसके ऊपर अफेक्ट होता है, तो ओवरऑल जो सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है इस गैस के चेंज करने से। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें थी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना मुझे चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं मेजरली कोलकाता वगैरह से
कि वहाँ पर R22 गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, अगर है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ऐसे में टेक्नीशियंस सलाह देते हैं कि दूसरी गैस डाल देते हैं हम, और लोग कन्विंस भी हो जाते हैं क्योंकि कोई चांस नहीं बचता, या फिर पैसे भी भाई देखने हैं, जेब भी देखनी है। लेकिन दोस्तों ऐसे में सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी हैं, और ये जो रिस्क जो मैंने बताए हैं, ये सारे रिस्क लेकर आप ये सारा काम करते हो, ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे कि कंप्रेशर ब्लास्ट वगैरह मैंने सारी बातें बताई हैं, तो दोस्तों ये जिंदगियों से जुड़ा हुआ मामला है, सेफ्टी से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे घरों में छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, हम खुद भी हैं, तो ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है ऐसी कंडीशन में। तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों में, ताकि उनको भी इन सभी चीज़ों का पता लग सके, और बाई चांस अगर कोई कंडीशन ऐसी बनती है उनके साथ तो वो पहले दिमाग में रखते हुए ये सारी चीज़ें टेक्नीशियन के साथ डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई दूसरा रेफ्रिजरेंट अपने एसी में डलवाएं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।